नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। साइबर क्राइम के बढ़ते मामले को लेकर पुलिस पूरे एक्शन में नजर आ रही है। इसी कड़ी में जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा को साइबर क्राइम से जुड़े मामले की गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने साइबर पुलिस की अलग अलग टीम बनाकर करमाताड़ के सीताकांटा और सदर थाना क्षेत्र के पसोई में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना क्षेत्र के पसोई से 3 साइबर अपराधी तो वहीं करमाताड़ के सीताकांटा से 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 29 फर्जी सिम कार्ड और 1 मारुति सेलेरियो को बरामद किया गया है। ये अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे और उनसे उनके बैंक के डिटेल्स को प्राप्त करते थे, जिसके बाद उनके खाते से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते थे। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया है। दो डिफरेंट लोकेशंस के साइबर अपराधियों द्वारा साइबर अपराध किए जाने की सूचना थी। इस आधार पर अलग अलग टीम बना करके 2 जगह छापामारी की गई, जहां एक रेलवे फाटक के पास में ये 10 लोगों की बस्ती है, वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करमाटांड बस्ती से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टोटल 7 गिरफ्तारी है। गिरफ्तार जिसमें इन लोगों को किया गया है, ये सारे लोग बैठ करके और फर्जी बैंक अधिकारी, फर्जी ये क्या कहते हैं, बन करके और लोगों के साथ उन्होंने वार्तालाप कर रहे थे। इन लोगों के पास से टोटल 7 लोगों के पास से कुल 16 मोबाइल बरामद हुए हैं और 29 सिम बरामद हुए। इन लोगों के पास में एक 4-व्हीलर गाड़ी भी थी, जिससे ये लोग आ करके और एक जगह पे बैठ करके ये लोग फिशिंग का काम करते थे, तो उस गाड़ी को भी सीज किया गया है। मारुति सुजुकी सेलेरियो गाड़ी है। ये टोटल 7 पर्सन, 16 सेट और 29 मोबाइल के साथ में एक 4-व्हीलर गाड़ी के साथ में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।